नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो, और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है हजरत नूह की किश्ती का वाक्य। सो ये वीडियो हम काफी टाइम से सोच रहे थे करने के लिए, हमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस वीडियो की काफी टाइम से, मतलब और रिक्वेस्ट भी यही आ रही थी कि इन्हीं के चैनल से वीडियो बनाओ। हाँ यार, हम बहुत बार सुन भी चुके हैं और ये बहुत ही एक प्यारा सा या बहुत ही एक मतलब क्या, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, कि बहुत ही एक पॉपुलर सा किस्सा भी है ये, क्योंकि किश्ती का कोई वाक्य था। वो अब हमें नहीं पता ना हमने कहीं सुना है, बस ये पता है कि उनकी किश्ती का कोई वाक्य था। तो इसको सुनते हैं आज, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मेहरबान अली यूट्यूब चैनल पे, सो जाके आप देखाओ। सो करें प्ले जी। इस जमीन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक की जमीन राफदेन का इंतखाब किया और वहाँ अपने बंदे यशकुर बिन लामिक को नबी बना के भेजा, जिनको मुख्तलिफ अलकाब से आज भी जमाना याद करता है। कोई अल्लाह के उस नबी को अब्दुल गफ्फार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, तो कोई इलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी, और कोई नूह नजीउल्लाह कह के बुलाता रहता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पर पोते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त में से हैं। वो कौम उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहाँ जुल्म करना, नफसानी ख्वाहिशात पर फख्र करना, बुतों और शैतानों की पूजा करना आम था। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है जिसने हर एक चीज को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तारीख ने लिखा तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मिसाकीन के कोई भी आप पर ईमान न लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए, इतना क्रिया किया कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है कि अरे नूह, अब ये तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रो के अल्लाह की दरबार में फरियाद करते हैं कि अरे अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे के ख्याल करने को, मदद करने को बुजदिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। अय अल्लाह, इस मेरी कौम को नीस तो नाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया, अय नूह, एक कश्ती तैयार कर, अन करीब तेरी ये जालिम कौम नीस तो नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के जरिए अपने नबी को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे तो ना वहाँ समंदर था, ना दरिया, ना दरख्त थे। बिलाखिर अल्लाह के नबी नूह ने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते, फिर लोहा लाते, उससे कील बनाते, तख्तों को जोड़कर उसमें कील ठोकते गए। तारीख ने लिखा तकरीबन 100 साल तक आप वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज आपके पास आती और आपकी तौहीन करती, आपको पागल कहती कि ना तो यहाँ दरिया है ना समंदर, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम आसमान को देख के सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते। उस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक रवायत के मुताबिक इसका तूल 1 किलोमीटर से ज्यादा था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि बारिश का पानी भी कश्ती में दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए था, बीच वाला तबका इंसानों के लिए, और ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए। हर दर्जे में एक दरवाजा था। बस जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, इस जमीन पे मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को इस कश्ती में सवार करो ताकि उन मखलूकात की नस्ल बाकी रह सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों, हर वो चीज जिसमें जिंदगी के आसार हैं,
कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। फिर आप इंसानों को हुज्जत तमाम करने के लिए कहने लगे, आओ ये कश्ती निजात की कश्ती है, जो भी इस कश्ती में आएगा वो अल्लाह की अमान में होगा। वो पूरी कौम हंसती रही। तारीख ने लिखा, आपके साथ थोड़े से ही लोग थे जिनकी तादाद बाज किताबों में 80 बताई गई है, जिनमें आपके 3 फर्जंद हाम, साम, याफिज और उनकी बीवियां भी मौजूद थीं। अल्लाह ने अपने नबी नूह से कहा कि अन करीब तंदूर से पानी उबलेगा और पूरी कौम को डुबा देगा। इस बात को सुन के कौम नूह हंस ही रही थी कि इतनी देर में तंदूर से पानी उबलने लगा। लोग उस पानी को देखने के लिए दूर दूर से आते, हंसते, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हंसी खामोश होने लगी, क्योंकि वो पानी इतना बढ़ता गया कि उनके तमाम घर डूब गए और ऊपर से बारिश भी बरस रही थी। वो काफिर ये समझ रहे थे कि ये तूफान कुछ देर का है, तो यूं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरफ जाने लगे। उन काफिरों में अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान भी शामिल थे। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा कि वो काफिरों के साथ पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आपने दूर से आवाज दी, ऐ किनान इस निजात की कश्ती में आ जा। तो किनान और उसकी माँ बोली, हम थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पे पहुँच जाएंगे और पानी वहाँ तक थोड़ी आएगा। बस वो पानी इतना बढ़ता गया कि कहीं भी ना कोई पहाड़ नजर आ रहा था, ना कोई दरख्त नजर आ रहा था। बस वो ही बचे जो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। उस वक्त पानी जमीन से 10,000 गज बुलंद था। मुसलसल पानी बढ़ता रहा, चढ़ता रहा। 40 दिन बाद पानी का बढ़ना खत्म हो गया, बारिश भी रुक गई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तकरीबन 5 माह तक कश्ती पानी में ही तवाफ करती रही, किसी जगह पे न ठहरी। बिलाखिर दरियाए दजला की मशरकी सिमत में एक पहाड़ी जिसको कोहे अरारात कहते हैं, उसकी एक चोटी का नाम जूदी है। इस चोटी की ऊंचाई तकरीबन 13,000 फीट साहिल समंदर है। कश्ती नूह उस चोटी को लग के ठहर गई। ये तारीख 10 मुहर्रम और जुम्मे का दिन था। बस अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा कि देख जमीन पर पानी खुश्क हो रहा है या नहीं। कबूतर गया और जैतून की टहनी उठा लाया। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र किया और यूं रफ्ता रफ्ता पानी कम होता गया। आप और आपकी जमात तकरीबन 5 माह तक जूदी पहाड़ पर ठहरे। आपने तमाम परिंदों जानवरों को आजाद किया। उस पहाड़ी पे अल्लाह का शुक्र करते रहे, जिक्र करते रहे, दुनिया को फिर से आबाद करने की सोच में मगन रहे। तारीख ने लिखा, आपके एक बेटे साम जिसे अरबी नस्ल चली, दूसरे बेटे हाम जिनसे सूडानी नस्ल चली, और याफ्त जिनसे तुर्की नस्ल चली, और यूं आप और आपकी औलाद ने दुनिया को फिर से आबाद करने का फैसला कर लिया। तकरीबन तूफान के 60 साल बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम इस फानी जहान से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। अल्लाह ने फरमाया कि कश्ती नूह को हम आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान ठहराएंगे। तहकीक करने वालों ने बताया कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की बाकियात मशरकी तुर्की में वाके कोहे अरारात पर मिली हैं। ये कश्ती वैसे ही है जैसी अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सलाम हो इंसान की नस्ल को फिर से जिंदगी देने वाले अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम पर। ये था वाक्य, उनपे मतलब उनका मजाक उड़ाती थी तो उन्हें हिदायत नहीं मिली थी ना। लास्ट टाइम तक वो उन्हें समझाते रहे कि ऐसे ऐसे हैं तुम कश्ती में आ जाओ ना, लेकिन वो फिर से मजाक उड़ाते लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे सिर्फ 80 लोग उनके साथ थे, बाकी के सारे उनके खिलाफ थे, लेकिन उनका जो अंजाम हुआ है वो बहुत बुरा अंजाम हुआ। मतलब पानी से मौत यार, तो लगता है पानी को देख के वैसे भी। तो अभी तक उनकी कश्ती जो है आई थिंक कौन सी जगह बताई, टर्की में कोई जगह, वहां पे है। बाकी ये था वाक्य, काफी टाइम सुना, फाइनली सुनी लिया ये। अच्छा तो ये था कश्ती, तो ये था ना, मतलब कैसे कैसे उन्होंने थोड़े बहुत जो जानवर वगैरह थे उनको भी सेव कर लिया। 100 साल लगा के एक कश्ती बनाई है, पेड़ पौधे नहीं थे वहां पे, पेड़ पौधे उगा के देन उनकी लकड़ियों से काट के इतनी बड़ी कश्ती बनाई 2 दिन उसके। मतलब उन्होंने सारे की सारी स्पीशीज को अपने साथ लेके गए, जानवरों को लेके गए, कुछ ना कुछ परिंदे थे जो उनको लेके गए, सो दैट नस्ल बच सके थोड़ी बहुत। और फिर आगे वही कंटिन्यू हुई जैसे उन्होंने बताया कि कुछ उनके बेटों की तुर्की में हुई, अरबी में हुई, और एक और थी कोई। सो बाकी ये थी वीडियो, आप सब जाना आपको कैसी लगी ये वीडियो। ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। सो
सो दैट नई नई वीडियोस, नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ब्लॉग्स भी आ रहे हैं नए नए। सो बस ये कि प्यार बना के रखिएगा, हम मतलब हर एक वीडियो आपके लिए देखते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।